गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत BSTC गणित शिक्षण के अंतर्गत हम आज प्राथमिक कक्षाओं में आंदोलन करने के प्रमुख उद्देश्य क्या है, क्या कारण है जिनके माध्यम से हम इनका आंकलन कर सकते हैं और इनका आंकलन करने के और मूल्यांकन करने के क्या आवश्यकता है उसके बारे में हम प्रमुख कारणों के बारे में बता रहे हैं। पहला आता है बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों का पता लगाना। हम जब तक बच्चे के बारे में पूर्ण तरह ये नहीं जानते कि बच्चे की व्यक्तिगत दिक्कत क्या है और विशेष रूप से उसकी क्या आवश्यकता है उसको समझ लेंगे तो हम अपने शिक्षण कार्य में उसको शामिल कर लें। हम उसको शामिल कर लेंगे तो बच्चा हमसे जुड़ेगा और हमसे जब बच्चा जुड़ जाएगा तो वह सीखने का अधिक प्रयास करेगा। फिर दूसरा है सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको हम बेहतर बना सकते हैं। मैंने जो कल पढ़ाया उस पढ़ाने में आज के पढ़ाने में मैं यदि उसका आकलन करता हूँ कि मेरे पढ़ाने में कल के पढ़ाने में मुझे ये लगा कि मेरे इस एरिया में थोड़ी कमी थी तो मैं क्या करूँगा, बच्चों के उस बच्चे के समझ में नहीं आया, इस बच्चे के समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, उसको सुधार करने और उसको बेहतर बनाने के लिए प्रयास, सीखने और सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको अच्छा बनाने के लिए प्रयास करूँगा। तीसरा आता है बालकों की क्षमता, रुचियों, रुझान और कौशल की समझ जाती है। अब बालक की क्षमता कितनी है वह आधा घंटा बैठ सकता है ठीक है, और मेरे विषय यानी गणित को आधे घंटे तक पढ़ सकता है, इसके साथ में रुचि के पर इसके साथ में रुचि के बाद में रुझान, उसका रुझान क्या है, गणित के प्रति उसका क्या रुझान है, इस इन मालूम इन क्वेश्चन की वे जानते हैं और इन क्वेश्चन को यदि मैं समझ लूँगा तो गणित का एक अच्छा टीचर बन जाएगा और यदि क्वेश्चन को मैं नहीं समझ पाता हूँ तो ये एक अच्छा शिक्षक नहीं बन पाऊंगा। तो ये कौन करता है, आकलन करने के कारण हमें पता चलता है कि क्या दिक्कत आ रही है। फिर नेक्स्ट करता है बच्चों के सीखने एवं विकास में मदद करता ठीक है, और उनकी कुछ कमियां हैं सुधार में हम हेल्प कर सकते हैं, उनकी कोई दिक्कत आ रही है कठिनाइयाँ जान लेंगे कि बच्चे आज मोहित 10 मिनट लेट आया ठीक है, कल प्रमिला लगभग 10 दिन से लगातार आधा घंटा लेट आ रही है प्रमिला ठीक है। अब जब मैं उसके पास जाकर उसका कारण नहीं पूछूंगा कि प्रमिला तेरे क्या दिक्कत है तो आधा घंटा लेट क्यों आ रही है, तो वह बताएगी जो भी उसका कारण है कि भाई क्या मैं घर पे मैं अकेली हूँ और मेरे माँ बीमार है या भाई बीमार है और सारे के लोग काम पे चले जाते हैं इसलिए मैं आधा घंटा लेट आ रही हूँ। तो जब मुझे इस बात का पता चल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, अन्य शिक्षकों से भी उसकी सहायता करने के लिए कहूँगा कि ये भाई इसको कोई डांटना मत और ये आधा घंटा लेट आ रही हूँ। तो ये सीखने और उसके विकास में इसके अलावा जो आता है शिक्षक बच्चे के व्यवहार, अब गणित और अन्य विशेष विषय में एक विशेष व्यक्ति या बच्चे एक विशेष अवधि के लिए वह बच्चा अपने व्यवहार को किस प्रकार चेंज करता है उसका पता लगाना ठीक है। मोनिका है ठीक है, पहले पीरियड में जो कि इंग्लिश का पीरियड होता है उसमें शामिल होने के लिए ठीक है, सेकंड पीरियड सामाजिक का होता है उसमें वह उद्घटता करती है, लेकिन जैसे ही थर्ड पीरियड गणित का आता है और वह वापस साइलेंट हो जाती है तो इसके व्यवहार में बदलाव आया था। वो पीरियड में चुपचाप लेती रहती है और प्रश्न करती है और इस प्रश्न में थर्ड पीरियड में भी वह इस प्रकार के व्यवहार होता है तो उस व्यवहार का हमें पता चलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी सामाजिक में विशेष समय विषय के प्रति उसकी रुचि कम है, तो हम क्या करेंगे उसकी रुचि को जानकर उसको प्रोत्साहन देंगे कि भाई इस प्रकार
वहन कार्य करे और इस प्रकार वह अपने कार्यों में तथा अपने सब्जेक्ट में वह रुचि रखे। तो आज हमने पढ़ा है कि प्राथमिक कक्षाओं में आकलन के प्रमुख कारण क्या है। अब नेक्स्ट में हम अन्य टॉपिक पे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।